एक ही सवाल लेने का सोच रहा था, लेकिन इनका दूसरा सवाल ज्यादा थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। इन्होंने एनएचपीसी में खरीदारी की है 750 शेयर और 109 यानी लगभग जो टॉप बनाए रिसेंटली इसके करीब की इनकी खरीद है, बिल्कुल टॉप के पास खरीदा है, क्या करना चाहिए इन्हें? एनएचपीसी डेफिनेटली उनका काफी हाई लेवल पे बाइंग हुआ है। मंथली चार्ट देखोगे तो कोई अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं नजर आया, ये मार्केट का इम्पैक्ट ही है जिसकी वजह से हमें एक सेल ऑफ नजर आ रहा है। अगर उनका लंबा नजरिया है एंड होल्डिंग कैपेसिटी है तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है डाउन साइड इसमें हमें देखने मिल सकता है 70-65 के रेंज, वहां तक ये गिर सकता है। तो अगर आप ये एवरेज करोगे तो फिर आपकी बाइंग प्राइस नीचे आएगी, इफ नॉट तो मैं कहूंगी अगर कोई भी उछाल आता है 95-97 तक, उसमें हम मोमेंटम रैली देख रहे हैं, वहां तक एक पुल बैक रैली आती है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो मैं कहूंगी कि वेट कीजिएगा, इफ नॉट तो सेल ऑन एवरी राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। All right.